हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज मैं आपको एक नहीं दो नहीं तीन ऐसे हुक्स दिखाऊंगी कि अगर वो आपके पास हो तो आपको दीवार पे, बाथरूम में, किचन पे, कहीं पर भी कुछ भी टांगने के लिए किल्ला लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब नो कार्पेंटर, नो ड्रिलिंग। लेकिन इस एपिसोड को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि आज मैं आपको उन प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी बताऊँगी। तो चलिए जानते हैं क्या है ये प्रोडक्ट आपकी अपनी सुजाता के साथ, नो विद सुजाता के इस एपिसोड में। वेलकम बैक दोस्तों। मैं आज आपको तीन अलग अलग टाइप के हुक्स सिखाऊंगी जो किसी भी सरफेस पे इजीली स्टिक हो जाते हैं और लिटरली आप इसमें कुछ भी टांग सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले वाला हुक है ये एक सेल्फ एडेसिव वॉल हुक है जो ऐसा दिखता है। इसके पीछे पावरफुल ग्लू लगा होता है जो किसी भी फ्लैट सरफेस पे इजीली स्टिक हो जाता है। इसके फ्रंट साइड में ये ऐसे स्टेनलेस स्टील का कर्व होता है जो 180 डिग्री रोटेट हो जाता है। तो चलिए इसे यूज़ करते हैं। इसका सबसे बेस्ट यूज़ किचन में, बेडरूम में और बाथरूम में होता है। हाँ, बाथरूम से याद आया कि ये वाटरप्रूफ है, मतलब पानी भी गिर जाए तो निकलेगा नहीं। इसे बाथरूम में टॉवल टांगने के लिए, स्क्रब अटकाने के लिए, किचन में चाय के कप्स, कटलरी, शॉपिंग बोर्ड, हैंड टॉवल, बेडरूम में दरवाजे के पीछे, वार्डरोब के अंदर पर्स हैंग करने के लिए, लिविंग रूम में कीज हैंग करने के लिए और इवन सीलिंग पर टॉयज़ या हैंगिंग पॉट्स या विंड चाइम्स हैंग करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। और इसमें 10 kg तक वेट सहने की कैपेसिटी है। दोस्तों जो सेकेंड हुक है वो है ये ऑलमोस्ट खिले की तरह काम करता है। इसमें ऐसे स्क्रू लगा होता है। इसे भी सेम तरीके से यूज़ करते हैं बट इसका यूज़ थोड़ा डिफरेंट है। चलिए दोस्तों इसको यूज़ करके देखते हैं। इसका यूज़ ऐसी जगह होता है जहां आपको स्क्रूज़ के लिए होल दिया होता है, जैसे कि टूथब्रश होल्डर, सेट टॉप बॉक्स, वाईफाई कनेक्शन, फोटो फ्रेम्स, वॉल क्लॉक। दोस्तों मेरे पास ये टॉवेल होल्डर था तो मैंने इसे ही लगाने का सोचा और लगाना इतना ईजी था कि सचमुच मज़ा आ गया। खुद से लगाने का सेटिस्फेक्शन भी मिला और इसकी पकड़ भी इतनी मजबूत है कि इसमें 8 kg तक वेट होल्ड करने की कैपेसिटी है। और तीसरा है ये डबल साइडेड हुक्स। दोस्तों जिन चीज़ों को ना ही आप टांग सकते हो और ना ही उसमें स्क्रू लगाने के लिए कोई होल होता है, ऐसी चीज़ों के लिए ये हुक यूज़ किया जाता है या इस्तेमाल होता है। इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक दीवार पे लगता है और एक उस प्रोडक्ट पे लगता है। तो चलिए इसको यूज़ करके देखते हैं। वॉल हुक का एक पार्ट इस क्लीनिंग ब्रश पे लगा है और दूसरा पार्ट मैंने इस टाइल पे चिपकाया है और अब ये इस तरीके से एक दूसरे में अटक जाता है। ऐसे ही अपना दिमाग लगाकर घर का कोई भी प्रोडक्ट इजीली हैंग किया जा सकता है। यूज़ करने के लिए किसी भी प्लेन सरफेस को अच्छे से क्लीन कर लीजिए और ध्यान रहे कि ये पूरी तरह से ड्राई हो। अब इस सेल्फ एडेसिव हुक का बैक प्लास्टिक निकाल दीजिए और अच्छी सी पोजीशन लेकर स्टिक कर दीजिए और प्रेस कर दीजिए ताकि एयर पूरी तरह से निकल जाए। उसके बाद 5 से 10 मिनट रख के यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए। तो दोस्तों जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि एंड में मैं आपको इन प्रोडक्ट के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स बताऊंगी, तो चलिए जानते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स। पहला, अगर ये हुक्स गलती से किसी गलत जगह पे लग गया या फिर टेढ़ा मेढ़ा लग गया तो डरने की ज़रूरत नहीं क्योंकि इन हुक्स को वापस निकाल सकते हैं और वापस लगा भी सकते हैं। दूसरा, अगर आप इसे एक जगह से निकाल कर दूसरी जगह लगा रहे हो तो और आपको फील हो रहा है कि स्टिक उतना पावरफुल नहीं रहा है तो दैट मीन्स उसमें गंदगी लग गई होगी, तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन है कि इसे ठंडे पानी से धो दीजिए और उसके बाद किसी अच्छे से हेयर ड्राई से उसे ड्राई कर लीजिए और फिर वापस से पहुँच कर पूरा ड्राई होने के बाद किसी अच्छे से सरफेस पर स्टिक कर दीजिए। तीसरा, अगर फिर भी इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर ये गिर रहा है या फिर इसमें स्टिक उतना काम नहीं कर रहा है लॉन्ग टर्म यूज़ करने के बाद, तो इसमें 2 बूंद फेविक्विक की डाल दीजिए, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। अब फोर्थ, आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट टिप,
कि ये वॉल हुक सिर्फ प्लेन सरफेस पे ही लगते हैं, जैसे कि डोर्स, विंडोज, ग्लास, मार्बल या फिर मेटल, जैसे कि रेफ्रिजरेटर, ओवन, इन चीज़ों पे ही लगते हैं। अगर आप इसे अनइवन सरफेस पे, जैसे कि वॉलपेपर या फिर टाइल्स जो उबड़ खाबड़ हो या फिर चूने की दीवार पे लगाने जाएंगी, तो ये पेंट के साथ उखड़ जाएगा। तो है ना ये कमाल का प्रोडक्ट। अगर ये तीनों वॉल हुक्स आपके पास हो तो ना ही आपको कारपेंटर की ज़रूरत है, ना ही किसी को बुलाने की, कुछ भी टांगिए, कहीं पर भी टांगिए। और अगर आपको ये प्रोडक्ट लेना है तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो होप करती हूँ कि आज का एपिसोड आपको यूज़फुल लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करेंगे ही ना। तो मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में एक नए यूज़फुल प्रोडक्ट के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी।